जनक जी, सिद्धार्थ जी क्या कहना चाहेंगे? आपका पहला डेब्यू है इस सिद्धेश दफ्तार के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का किरदार है आप दोनों का, कुछ इसके बारे में विस्तार से कुछ बताइए। मैंने आपको अपना किरदार बताया। जो इस फिल्म में मेरा किरदार है, जो मेरा कैरेक्टर है, वो शिवा है, जो एक स्लम एरिया से बिलोंग करता है। ही इज़ अ पुअर गाय, उसकी फैमिली भी नहीं है उतनी अच्छी, और उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, फोकस्ड है, और वो कुछ करना चाहता है बट उसके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो उसकी फीलिंग्स ये है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है बट उसके पास मौका नहीं है। इसलिए मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसे है। मेरा तो रोल बहुत ही ज़्यादा एक सिंपल और बहुत ही स्वीट लड़की का है, जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। एक प्रॉब्लम है, उसको स्कूल जाती है, भागना चाहती है बिकॉज उसके फादर एक कोच हैं और उनके सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उसको पोलियो है, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनके ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाती है। तो उसका एक रिग्रेट उसको थ्रू आउट रहेगा, बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी पॉजिटिव, अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड, अ वेरी सपोर्टिव डॉटर। सो या जनरल, आपका लाइक ट्रेनिंग के बारे में बात करें, क्योंकि आप दोनों ही सेम एज के हैं, तो कहीं ऐसा कभी सेट पे कभी लड़ाई झगड़ा या ऐसा कभी कुछ हुआ कि लड़ाई के दो तुम या नखरे आपको कुछ? नहीं, हम दोनों बहुत छोटे हैं नखरों के लिए, दोनों कभी कोई नखरा नहीं करते। हम दोनों एक दूसरे को बल्कि सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सीन को लेके, कैरेक्टर को लेके, और बस आंटी पीछे से झूठ 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 बोल रही हैं, पता नहीं क्यों। बट नो डाउट, शूटिंग करते वक्त हमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की, और मेरे शहर में शूटिंग थी, इलाहाबाद में शूटिंग थी। आई रिमेम्बर हम लोग अपनी फैमिली से मिली, तो इसे ऑलरेडी बहुत अच्छा लगा। मेरे तुम्हें बहुत अच्छा लगा बोल रहे हो। हाँ, तो आई रिमेम्बर कोई एक फेमस जगह थी जहाँ से ये लोग वो खाते थे टिक्की, और वो क्या दही वाला होता है, फुल्की, इलाहाबाद में फुल्की बोलते हैं। हाँ, तो जब भी जल्दी पैकअप हो जाता था, गोलगप्पे भी, तो जब भी जल्दी पैकअप होता था तो हम गाड़ी वहाँ से निकालते थे और गोलगप्पे भाई वो दो तीन चीज़ें बना के, इलाहाबाद में इतनी भी फेमस और अच्छी चीज़ें, गोलगप्पे, चाट, और क्या, चाट, टिकिया, एक ही होता है, टमाटर और एक सकोड़ा, सकोड़ा बहुत अच्छा होता है। कोई ऐसी जगह है ना, क्योंकि आपका ही शहर है, आपका ही, तो आपने कभी इनको कहीं कुछ ऐसी कोई फेवरेट स्पॉट या ऐसी कोई जगह? नहीं नहीं नहीं, भट्टे ले गए थे ना हमारे भट्टा है, वहाँ पे भट्टा है, भट्टे ले जाके हमने इनको बाटी चोखा खिलाया था, वो बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी था, गरम गरम था, आई रिमेम्बर, वहाँ भैंस की थी, गरम गरम बन के आता है बाटी। आई रिमेम्बर वी टुक पिक्चर्स ओवर देयर, हां हमने पिक्चर लिए थे भैंस के साथ, उसे भैंस बहुत पसंद आई थी, भैंस पसंद नहीं आई मुझे। आप कुछ, स्कूल में मेरे स्कूल में तो शूट हुआ था, तो वहाँ पे भी गई, मतलब इलाहाबाद में मेरी हर फेवरेट जगह, मतलब जितने भी फेवरेट स्पॉट्स हैं इलाहाबाद की, हर जगह गई और इसने बहुत एंजॉय किया। जनक कुछ कहना चाहेंगे लास्टली अपने व्यूवर्स को, कि मतलब किस, मतलब फिल्म्स देखें, क्यों देखें, क्या कहना चाहेंगे आप अपने व्यूवर्स को? फिल्म्स देखें, क्यों देखें, फिल्म्स देखें, नहीं नहीं, फिल्म प्लीज़ देखिए और क्यों देखें तुम बताओ। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, प्लीज़ फिल्म देखिए और क्यों देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं तेज़ रफ्तार को देखने के लिए। एक अच्छी सिंपल स्टोरी है जिससे आप कनेक्ट करेंगे, और कोई ऐसा एज ग्रुप भी नहीं है कि यू नो सिर्फ यूथ देख सकता है, या फिर सिर्फ बड़े लोग देख सकते हैं, या बच्चों की है, आप पूरी फैमिली के साथ जाकर ये फिल्म देख सकते हैं। आई एम श्योर आप कनेक्ट करेंगे, और हमने तो ऑब्वियसली मेहनत की ही है, एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, तो जाइए देखिए। और ये फिल्म आपको एक मैसेज देती है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यू नो पर्टिकुलरली एक स्टैंडर्ड के लोगों में ही यू नो टैलेंट होता है, जो बच्चे जिनको सपोर्ट नहीं होता, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उनमें भी टैलेंट होता है, उनको भी एक चांस देना चाहिए ताकि वो भी अपने ड्रीम्स पूरे कर सके। तो हाँ, इसीलिए जाइए और तेज़ रफ्तार तेज़ी से जाकर आप देखें जैसी आएगी। जब मैंने एक स्टोरी सुना और जो चीज़ इस फिल्म के साथ जो मेरी जुड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर है, और मैं खुद एक बंगाल से बहुत साल पहले शुरू किया था, और आई एम ए स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर, बाद में नेशनल लेवल तक जाने का उम्मीद थी, बट जो चीज़ दिखा है, जो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उस टाइम पे बंगाली में लड़की की स्पोर्ट्स में आना बहुत डिफ़िकल्टी थी, तो उससे मुझे एक दिल में एक इमोशन पैदा हुआ, और मैंने एकदम दिल जान लगा के तेज़ रफ्तार को आगे लेने के लिए जितनी अच्छी तरह से हो सके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अच्छे कास्टिंग, अच्छे म्यूज़िक, एवरीथिंग, हम लोग इसको दिल जान लेके तेज रफ्तार को बना लिया है। जी, स्टारकास्ट के बारे में बात करें, एक्चुअली कास्टिंग करना बहुत मुश्किल था, जब किंग शुभदा ने आके बोला
प्लीज़ और बहुत जल्दी था हम लोगों को एक्चुअली हमें कुछ टेक्निकल रीज़न के लिए बहुत जल्दी मुझे कास्टिंग करना पड़ा. उस टाइम बहुत सोच समझ के जो कास्टिंग चाहिए था जिसका डेट नहीं हो रहा है दिस दैट दैट. और मेरा हमेशा एक मन होता है जो दोस्त लोगों के साथ काम करे क्योंकि उसमें टीम वर्क उसमें वाइब्रेशन पॉजिटिविटी बहुत अच्छा होता है. तो फिर बस एक दो को अप्रोच करते करते समीर मिल गया और समीर ने बहुत पॉजिटिवली एकदम इमीडिएटली मुझे कोऑपरेट किया. येस बोला पिक्चर के लिए टाइम दिया. ऋषिता भी सेम थिंग. देन मुकेश ऋषि फैंटास्टिक एक्टर ही वाज अ वेरी बिजी इन साउथ बट दे ऑल लव मी नो मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम. और उनको एक उम्मीद थी जे शोमू जब अप्रोच कर रही है तो इस प्रोजेक्ट ज़रूर कोई अच्छी प्रोजेक्ट होगी. सतीश कौशिक जी को लास्ट मिनट हम लोगों ने इसमें इम्पैक्ट किया है. फिर अंजन श्रीवास्तव है मुश्ताक खान है आई थिंक प्ले. उसके बाद जो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा नहीं है बट यू नो लाइक फैंटास्टिक थ्री सॉन्ग आर देयर. मीका ने दोस्ती निभाई मुझे बोला था तो अप्रोच करेगी तो ज़रूर करूँगी. मैंने हिम्मत किया मैंने बोला भले ही ये मेरी डायरेक्ट फिल्म क्यों ना हो बट जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़ते हैं उसमें दिल जान करके अपना ही बना लेते हैं. तो मीका सैंग वन सॉन्ग वेरी गुड. शान एक गाना गाया. फिर आई थिंक अरमान मालिक को मैंने अप्रोच किया. ही वॉज़ वेरी फैमिली फ्रेंड. उनके डैडी ने एकदम सुन के कोऑपरेट किया. तो मुझे लग रहा है फिल्म अच्छा होनी चाहिए. और ये एक मोटिवेट फिल्म है एक्चुअली. ये कमर्शियल लेवल नहीं है मोटिवेट फिल्म है. सोशल कॉज है सारी चीज़ एक एक पॉजिटिविटी है इसमें यू नो लाइक. और किंग शुभदा का एक हमेशा नेचर है न्यू टैलेंट को आगे बढ़ाना. किंग शुभदा के हाउस से इस फिल्म में आपको वो भी देखने को मिलेगा कि इतने सारे नए टैलेंट को उन्होंने ढूंढा ना बंगाल से ढूंढा यूपी से ढूंढा. किंग शुभदा आई थिंक इस फिल्म में चार पांच नए टैलेंट को भी मौका मिला जो हिंदी में बहुत मुश्किल होता है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रॉक. आई वुड लाइक टू इन्वाइट किंग शुभदा एंड माई डायरेक्टर जो जिनके लिए ये मैं यहाँ पर खड़ी हूँ. आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल सुनंदो मित्रो जिनकी ये ड्रीम है जिनकी ये बच्चा है. हम तो उनकी जस्ट साथ में है. और किंग शुभदा किंग शुभ गुण कौशिक दा आज नहीं है हमारे साथ में. सो हम लोगों ने मिल के एक अच्छा फिल्म को डिज़ाइन करने की कोशिश किया. दर्शक को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश किया है. एक मोटिवेट करने की कोशिश किया है जो आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है यू नो. जो स्लम बच्चे होते हैं या कोई भी नीडी लोग होता है जिनको एक प्लेटफॉर्म देना बहुत प्रॉब्लम है. तो इस फिल्म में वही दिखाया गया है जो एक अच्छे कोच के नज़र में अगर कोई टैलेंट आ जाता है उसको कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं और कितनी तकलीफें जाना पड़ रहा है कितनी पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ रहा है और अल्टीमेटली वो कैसे एक पॉजिटिव शेप लेते हैं. सो प्लीज़ किंग शुभदा एंड सुनंदो मित्रो इफ़ यू कैन जॉइन विथ मी. कम ना अमित बेरी जाओ जस्ट अ कॉल. ये किंग शुभ गुण है जिनकी ये बेबी है ये फिल्म है. मैंने आपको बोला है बहुत अच्छे से एक पैशन लेके ही वांट्स टू मेक दिस फिल्म एंड टैलेंट को देखने को मिलेगा. तो किंग शुभ दा जस्ट हैव टू वर्क. बस यूपी जैसे जगहों में जहाँ पे जनक ने भी बताया यूपी में जाके शूट करना बहुत ही तकलीफ की. यूपी में जाके शूट करना एक चैलेंजिंग बात तो होती है अपना शहर से रोके दूसरा शहर में जाके करना. लेकिन हमारा इंडस्ट्री है चैलेंजिंग हमको लेना है उस हिसाब से हम लोग अच्छे से काम कर लिया. कोई दिक्कत नहीं आई ठीक ठाक हो गया. अभी शूट कंप्लीट हो चुका है. अब पहला प्रीव्यू है हमारा अभी सेंसर में जाएगा. उसकी पहले हम लोग पूरा एक बार साथ में बैठ के देख लेना चाहते हैं कि कोई कमी तो नहीं रहेगी कुछ ये तो नहीं रहेगा. तो आर्टिस्ट वगैरह सब भाई सब क्रू मेंबर सब मिल के प्राइवेट प्रीव्यू हो रही है उसको देख लिया. अभी कल सेंसर में चला जाएगा फिर अगले एक या डेढ़ या दो महीने के अंदर हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं. न्यू ईयर आने को है तो क्या कहना चाहेंगे मतलब दर्शकों के लिए कि तेज रफ्तार भी बस न्यू ईयर में हम लोग को रिलीज़ करने के लिए सोच रहे हैं. तो सबको एक न्यू ईयर के लिए अच्छा फिल्म भी मिले हम लोग वो भी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा न्यू ईयर में फिल्म मिले. बाकी देखने के बाद ही दर्शक जज करें कि कैसा हो सकता है. फिल्म के बारे में बात करें क्या ये एकदम मेलो ड्रामा होगा क्योंकि स्लम बॉय का से रिलेटेड है ये या फिर मतलब क्या किस तरह का ये फिल्म. ये एक्चुअली हम लोग एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि स्लम का जो बच्चे लोग रहते हैं उन लोग का अंदर बहुत सारा टैलेंट रहता है लेकिन वो टैलेंट को पहचानने वाला कोई होना चाहिए पहचानने वाला कोई होना चाहिए. तो उस हिसाब से पूरा फिल्म को कि स्लम का बच्चे को कैसा अगर किसी का साथ मिले कैसे वो लोग स्पोर्ट्स का टॉप तक पहुंच सकते हैं बस इसके ऊपर ही पूरा फिल्म बनाया हमने. बाकी सेंसर से आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म क्योंकि अभी कल सेंसर में जाने वाला है. काफ़ी ऐसी अड़चने आती हैं
नहीं की तरफ से भी कट्स नहीं हुए? नहीं, हम लोग का ये स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है और बच्चे को लेके है, ये हम लोग को यूए ही मिलने वाला है, ऐसा कोई भी सेंस नहीं है कि जिसमें कोई कंट्रोवर्सी होना चाहिए। तो हमारा उम्मीद है कि यूए ही मिलेगा या यू मिलेगा, हम लोग यू मिलने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो दो एक अपशब्द है लेकिन यूए ज़्यादा से ज़्यादा यूए, नहीं तो यूए का ही हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सब मिल के देख सकें। थैंक यू। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म की ये है कि जो आजकल का एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सिनेरियो है इंडियन एथलेटिक्स के माहौल में, उसमें ये फिल्म बिल्कुल फिट बैठती है। आज अगर आप पिछले स्पेशली पिछले 3-4 साल में हमारे इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंसेस देखें तो हमें ये समझ में आएगा, चाहे वो जकार्ता एशियन गेम्स हों चाहे वो रियो ओलंपिक्स हों, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स who have actually won medals and who've brought laurels to the country are the ones who have come from, you know, extremely difficult backgrounds. Chahe aap OP Jaisha ki baat kare, jo ki long distance marathoner hain, 1500 meter mein champion athlete hain, Rio Olympics mein bahut shandar performance thi unki, chahe aap Swapna Barman dekhein, चाहे आप ओपी जैशा देखें, चाहे आप हीमा दास देखें, चाहे आप नीरज चोपड़ा देखें जो कि जैवलिन थ्रोअर हैं, इन सब का बैकग्राउंड आप अगर देखें, तेजिंदर सिंह देखें चाहे आप जो लॉन्ग जंप एथलीट हैं, इन सब के बैकग्राउंड्स देखें आप, इनकी लाइफ जर्नी फॉलो करें अगर आप, तो ये समझ में आएगा कि कितने कमाल की स्पिरिट इन लोगों ने दर्शाई है अपने चैलेंजेस, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे इन्होंने ओवरकम करके दे हैव ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री। सो दिस मूवी तेज़ रफ्तार इज़ समथिंग सिमिलर, इट्स इट्स अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु कम्स फ्रॉम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड और कैसे वो अपनी चैलेंजेस को ओवरकम करके एक चैम्पियन एथलीट बनता है। बहुत शानदार स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, वो स्टोरी है जो अब बहुत सारे एथलीट्स में हमें देखने को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत कमाल का सबक है, किस तरीके से हम टैलेंट को स्पॉट करके उसको ग्रूम करें, जिस तरीके से पिछले 4-5 साल में हमारे देश ने देखा, बहुत समय के बाद करीब 20-25 सालों के बाद मैंने पिछले 4-5 साल में एथलेटिक्स में इंडियन एथलीट्स को इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा, चाहे वो एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, ओलंपिक गेम्स हों, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आई जस्ट होप तेज़ रफ्तार जो फिल्म है वो इस इंडियन एथलेटिक्स की इनक्रेडिबल जो जर्नी शुरू हुई है इसको और आगे लेके जाएगा और इंस्पिरेशनल बनेगा नौजवानों के लिए। आई विश द होल टीम अ फैंटास्टिक run at the box office. Thank you. Any film of mine is like any film of any director, in fact director is always excited. Saath mein aisa bhi hota hai, butterfly in the stomach, kya reaction milega logo ka. So expecting it to be like likable by people. Rest of the things the audience will tell us is the first preview, so definitely I'm a little tensed. डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इस फिल्म को लाइक इलाहाबाद यूपी में डायरेक्ट किया गया है, तो कितना एडवेंचरस रहा है वहाँ पे काम करना, स्टारकास्ट के उनको कन्विंस करना कि हम यूपी में फिल्म को शूट करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्टारकास्ट को कन्विंस करना इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था क्योंकि इलाहाबाद शहर जो है दैट इज़ द वन ऑफ द सिटी इन इंडिया विच हर एक स्कूल में मतलब स्पोर्ट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट किया जाता है उस शहर में। So all the schools have a gymnasium, all the schools have a gymnastic area, har tarah ke sports ko udhar promote kiya jata hai, so hence we chose that city. And regarding shooting the film, yes, we were shooting during summer aur us time pe temperature tha udhar pe 48 to 49 degree celsius, so scorching heat, to uske andar hi shoot kiya hum log, and within 40 days we wrapped up the schedule, and beech mein do baar hamara matlab set bhi toot gaya because of wo ये आया था तूफ़ान आया था बहुत ज़बरदस्त, तो और उधर मतलब तूफ़ान आने से क्या होता है, इतना धूल उठती है कि यू कांट इवन वॉक ऑन द स्ट्रीट्स, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसको आंधी बोलते हैं हम लोग, दैट काइंड ऑफ स्टॉर्म।
But it was fun shooting the film because I had a very interesting star cast who were very cooperating, and even the crew was very good, very cooperating crew, and hence we wrapped up the schedule in a flat 40 days time. Now that the film is ready, तो ख़त्म हो गया है पिक्चर बिकॉज बीच में काफ़ी सारा डिले हुआ था क्योंकि कुछ वी एफ एक्स को लेकर प्रॉब्लम हुआ था सो दैट डिलेड द फिल्म अ लिटल बिट बट अभी हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं इसको एंड इट्स द फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल आई मीन प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग विल सी द फिल्म इन द थिएटर्स.